दुनिया के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें वेद एक है। अथर्ववेद का एक सूक्त जो हमें किस रूप में इस धरती के प्रति अगाध निष्ठा को प्रदर्शित करने के संस्कारों के साथ जोड़ता है, सूक्त कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का मां के प्रति क्या कर्तव्य है ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सभ्य समाज को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। और संपूर्ण जीव सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव और संस्कार मां के प्रति देखने को मिलता है, और यहीं से प्रारंभ होता है कि इस धरती माता के प्रति हमारे दायित्व किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं।